हेलो गाइस, तो कैसा चल रहा है आपका न्यू ईयर और क्या कर रहे हो न्यू ईयर में और क्या क्या रेजोल्यूशन बनाया आपने न्यू ईयर में? तो और हम आ गए हैं फिर से मचाने न्यू ईयर में ले नई वीडियो लेके माइनक्राफ्ट की। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, अब रेगुलर वीडियो आ जाएंगी, टेंशन मत लो। और आज हम देखने वाले, मतलब आज हम ट्राई करने वाले कुछ माइनक्राफ्ट के बेडरॉक ग्लिचेस, और देखते हैं वो माइनक्राफ्ट में काम करते हैं या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट गेट इन द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक और सब्सक्राइब टू द चैनल। तो बिना किसी देरी के चलिए। तो फर्स्ट वाला जो ग्लिच है उसका नाम है पिस्टन डुप्लीकेटर, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ ऑब्सीडियन, कुछ स्मूथ बिल्डिंग ब्लॉक्स, लिवर, रेड स्टोन और TNT फ्लिंट और कुछ पिस्टन, मतलब दो ही पिस्टन होते हैं माइनक्राफ्ट में। तो सबसे पहले एक क्राइंग ऑब्सीडियन नीचे प्रेस करेंगे, उसके बाद 1 2 3 ऐसे सॉलिड ब्लॉक्स, फिर उसके बाद उस पर आएगा ऑब्सीडियन और उसे हम 9x9 का एरिया बनाएंगे उस प्लेटफॉर्म को। तो ये हो गया 3x3 का, मैं 9x9 बोल रहा हूँ, 3x3 का। देन ये नीचे वाले ब्लॉक हमें तोड़ने हो गया। देन अब चलते हैं, हाँ सॉरी नीचे ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, और इसे हमें कनेक्ट करना है रेड स्टोन से इस तरह से, ताकि नीचे वाले पिस्टन पूरे एक्टिवेट हो जाए। देन हमें आना है नीचे और लगा देना है यहाँ पे पिस्टन। देखते हैं, ट्राई करते हैं अभी ये ग्लिच इसमें काम करता है या नहीं। देख अबे यार, गलत भी लगा है। अब हमें आना है यहाँ पे और लगा देना है TNT। 1 2 3 स्टार्ट, और बूम हो गए लगता है। तो यहाँ पे अब मैं पूरा अपना इन्वेंटरी खाली करता हूँ और देखता हूँ कितने पिस्टन हमें मिल चुके हैं। मैंने 9 लगाए थे ना, तो 9 से ज़्यादा ही होने चाहिए। रो भाई, ये तो ज़्यादा ही है, देखते कितने हैं। 15 बैंक किया, चलो ये देखो 15 पिस्टन। और ये जो ये अब हम ट्राई करेंगे स्लाइम के, स्टिकी पिस्टन, सॉरी स्टिकी स्लाइम। ये देखो ये 9 हो गए। अब लगाते हैं एक TNT और इसे कहते हैं बूम बूम, हो गया ये भी। अब देखते हैं ये कितने डुप्लीकेट हो गए, तो कितने हो गए, 12। नाइस पे, मतलब 9 के ऊपर ही अपने को मिल जाते हैं। ओके, तो सेकंड वाला ग्लिच है आर्मर और XP। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ ब्लॉक, लीवर और पिस्टन, वीडिया। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको ये ग्लिच कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें इसे 3x3 का एक, 3x3 मतलब इस टाइप में हमें एक बनाना है, इसे क्या कहते हैं एडोट डू। अब यहाँ पे हमें लगाना है एक पिस्टन इस तरफ फेस करके, देन इसे कवर करना है हमें इस तरह से। देन इसके नीचे आएगा एक लीवर और पुल करेंगे ताकि ये पिस्टन एक्टिवेट हो जाए। देन उसके ऊपर एक एक ब्लॉक और एक एक ब्लॉक, दो दो ब्लॉक लगाएंगे। अब ये लगा जाओ, देन आएंगे हम पीछे से, और पीछे से की साइड हमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगानी है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, नहीं आगे, हाँ यहाँ पे हमें ये दो ब्लॉक है हमें तोड़ देने हैं। ओके, अब चलते हैं ऊपर की तरफ, एक आगे से लिया। यहाँ से अब हमें चाहिए दो इंस्टेंट डैमेज वाले तीर, एरो, वही तीर एरो। अब आएंगे नीचे, अब मैं पहले ही अपने इन्वेंटरी खाली करता हूँ और जल्दी से आर्मर पहन लेता हूँ। और हाँ, आर्मर में आपको थ्रोन्स, पूरे थ्रोन्स वाले एंचेंटमेंट चाहिए, ताकि कोई एंटरटेनमेंट पे ये काम नहीं करता। पेन क्या क्या हुआ,
नहीं हुआ कुछ भी, ऐसा कैसे हो गया? अभी इसको मैं फिर से अंदर रखता हूँ और फिर से एक बार चेक करता हूँ। अब तो हो जा, अब हो जा, मेरा रिस्पॉन्ड पड़ने पे। अब देखते हैं, इस बार होना चाहिए। ये हो जा, नहीं क्या क्या। अरे भाई क्या, मैं कब से क्रिएटिव में था इसलिए नहीं हुआ। आप लास्ट बार ये था, आप 100% होना ही चाहिए। चलो 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 चलो, अब 100% हो जाएगा, मुझे पता है ना। ये देखो कभी, ये क्या हुआ, गेम अटक गया, गेम पर अटक गया। वो भेंडी डुप्लीकेट हो गया, हो गया डुप्लीकेट स्पॉन। अरे देखो भैया जी, पीछे देखो तो आप, कितने सारे आर्मर यहाँ पे डुप्लीकेट हो गए हैं भेंडी। लाओ दोनों भी काम करते हैं। तो इस समय क्या देखो, भेंडी पूरी की पूरी इन्वेंट्री आर्मर से भर गई मेरी। देखो सब नेदर राइट, सब नेदर राइट, सब सबके सब नेदर राइट है, सबके सब। इससे आप डिसेंचेंट करके आप अपने लिए एक्सपी भी कलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप पहन भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करो। अरे तो ग्लिच एकदम अमेजिंग था यार, ये ग्लिच एकदम बेस्ट ग्लिच, बेस्ट। देखो और देखो, मेरे दो चेस्ट नहीं एक भर गए, मतलब दो चेस्ट, ये भी भर जाएगी। देखता हूँ, अबे बेनी पर बहुत ही बहुत ज़्यादा और भी बहुत बहुत पड़े हुए इसमें, अभी भर जाओ फटाफट ठीक से। अरे देखो दो चेस्ट भर गई है, और ये देखो ये मेरी पूरी इन्वेंटरी में भर गई है। और गाइस टेस्ट टून अभी भी एक के देखो, ये पूरा पूरी सारी चेस्ट भर चुके हैं, दोनों भी चेस्ट पूरे भर चुके हैं। और यहाँ पे भी आर्मर पड़ा हुआ है और पीछे भी है बहुत सारे आर्मर। तो कैसा लगे आपको ये ग्लिच, अगर पसंद आए हो तो लाइक करो, मेरे चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ जल्दी ही इस चैनल पे एक न्यू सरप्राइज आने वाला है जो हम सबके लिए होगा। तो मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए इस आउट।